बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 9 की न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। लेट्स सी 9.1। द लाइट ऑफ द वेवलेंथ 546 नैनोमीटर इज अलाउड टू इल्यूमिनेट द स्लिट्स ऑफ द यंग्स एक्सपेरिमेंट। द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 0.1 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास डी आ गए, स्मॉल डी, ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई। एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स वेयर द इंटरफेरेंस इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व, दिस इज एल, ठीक है, कैपिटल एल। एट व्हाट एंगल द फर्स्ट मिनिमम विल फॉल, तो थीटा फाइंड करना है। एट व्हाट विल बी द लीनियर डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन बिटवीन द एडजेसेंट मैक्सिमम, इट्स अ डेल्टा वाई, ठीक है। तो हमारे पास वेव लेंथ गिवन है, दैट इज 546 नैनोमीटर। सो वी विल राइट 546 10 रेज पावर माइनस 9 मीटर, दिस इज लैम्डा 9.1। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स स्मॉल डी, दिस इज 0.1 मिलीमीटर। यू विल राइट 0.1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 मीटर, दैट इज गिवन। ये हमें जो गिवन है, फिर उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन कैपिटल एल, दैट इज 20 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू बुक। हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यू विल राइट 0.2 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू रिक्वायर्ड। ओके, वी थिंक रिक्वायर्ड थीटा, वी हैव टू फाइंड एंड डेल्टा वाई, डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन बिटवीन द मैक्स टू फ्रेंड्स, ये हमें रिक्वायर्ड हैं। और अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लुक एट हियर, कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। हमारे पास क्या कैलकुलेट थीटा करने के लिए और मिनिमम फाइंड करना है, तो मिनिमा के लिए हमारे पास होता है डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम प्लस 1/2 लैम्डा। एंड यू हैव टू फाइंड फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। फर्स्ट मिनिमा के लिए हमारे पास एम की वैल्यू क्या होगी, जीरो। सो डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा 2, ठीक है। अब डी को भी उधर डिवाइड कर दें, साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा 2t, ये डी चला गया, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यूज पुट कर दें, यू नो के थीटा और साइन उसका इन्वर्स कर लें। साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू है 546 10 रेज पावर माइनस 9, ये थोड़ा सा क्लैश हो रहा है, बट यू नो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। टी की वैल्यू 0.1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3, तो मेरे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको डिवाइड करें, यू विल गेट, कैलकुलेटर यूज कर लें, 0.00273। अब साइन उधर चला जाएगा, थीटा को इधर ही रहने दें, यू विल गेट साइन इनवर्स दिस वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर 0.16 डिग्री, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ये हमने प्रोसेस किया फर्स्ट पार्ट के लिए, इट्स अ फर्स्ट पार्ट, इट्स अ सेकेंड पार्ट।
अब सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास क्या क्या, फॉर एग्जाम्पल बी पार्ट हमने फाइंड करना है, यू नो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एल डी ओवर लैम्डा, सॉरी एल लैम्डा ओवर डी। एल लैम्डा ओवर डी तो वैल्यूज पुट कर दें, यू नो 0.2 एल की वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू आपके पास है 546 टेरेस पावर -9 और डी की वैल्यू यू नो के 0.1 टेरेस पावर -3। तो ये इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है आपको हासिल होगी, कम वैल्यू हासिल होगी, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, कैलकुलेटर यूज़ करें, 1.09 × 10⁻³, ठीक है, सो मीटर, तो इसको मिलीमीटर में लिख लें, 1.1 कर दें, इसको राउंड ऑफ करें, तो हमारे पास इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और मिलीमीटर, ये जो वैल्यू है इसको मैंने मिली लिख दी है, तो दिस इज डेल्टा वाई डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स डेल्टा वाई इज इक्वल टू एल लैम्डा ओवर डी लिखा है, यहाँ पर एम होता है, क्योंकि एम इज इक्वल टू क्या है, 1 फॉर ब्राइट, तो ब्राइट के लिए हम कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमा करना है, तो एम 1 हो गया, और अगर डार्क के लिए आता तो वो एम प्लस 1/2 आता। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट विच इल्यूमिनेट्स टू स्लिट्स 0.5 mm अपार्ट। तो गिवन डाटा में हम अगर लिखना चाहें तो ये हमारे पास क्या है, डिस एल्यूमिनेट्स टू स्लिट्स मीटर 0.5 mm अपार्ट, तो इट्स मीन डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स मेरे पास क्या है, दिस इज 9.2 हमारे पास है, और हम बात कर रहे हैं किसकी, गिवन डाटा की, गिवन डाटा में हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है 0.5 mm, यू विल राइट 0.5 × 10⁻³ मीटर। एक चीज, नाउ एंड प्रोड्यूस एंड इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन प्लेस 200 cm अवे फ्रॉम द स्लिट्स। तो लेंथ बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन कैपिटल एल 200 cm है, तो 2 मीटर हो जाएगा। The first bright fringe is observed at a distance. Be careful. First bright fringe, bright है, तो m1 हो गया, और delta y from the central bright fringe. Central bright से अगली bright तक का जो distance है वो तो ये है, और find करना है wavelength. तो हमें l का पता है, वो 200 cm है, यू विल राइट 2 मीटर, ठीक है, और हमें पता है m इज इक्वल्स टू 1 है, और डेल्टा y जो है दैट इज y, या डेल्टा y हम कह सकते हैं इसको, दिस इज 2.4 मिलीमीटर,
2.4 into 10 is power minus 3 meter. ठीक है, तो ये बिटवीन द टू नहीं है, मतलब फर्स्ट का उसने बता दिया तो हमने जस्ट वाई यूज कर रहे हैं. ठीक है, ये गिवन डाटा था. अब हमारे पास जो कैलकुलेट करना है, सॉरी रिक्वायर्ड जो है हमारे पास जो रिक्वायर्ड है रिक्वायर्ड में जस्ट हमने क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ लैम्डा फाइंड करना है. ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेशन की हेडिंग दे दें. कैलकुलेशन आप देखें कि हमारे पास कैसे करना है. हमने यू नो y इज इक्वल्स टू एम एल लैम्डा ओवर डी. चूंकि m 1 है, क्योंकि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, तो हमारे पास वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू एल लैम्डा ओवर डी. अब आप d को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, l को यहाँ डिवाइड कर, तो लैम्डा सेपरेट हो जाएगा. यू कैन राइट हेयर y d ओवर l इज इक्वल्स टू लैम्डा. यू कैन राइट लैम्डा इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इज इक्वल्स टू y d ओवर l, पुटिंग द वैल्यूज हियर. ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी लैम्डा की. y की वैल्यू है 2.4 टेरेस पावर माइनस 3, t है 0.5 टेरेस पावर माइनस 3, और l की वैल्यू है हमारे पास 2. तो इसको आप डिवाइड करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर से. सिक्स इंटू टेरेस पावर 2 meter. लेकिन अगर आप देखें बुक में हमारे पास आंसर है नैनोमीटर में, तो नैनोमीटर के लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू हमारे पास ये तो हो जाएगा 600, तो सॉरी साथ में आ रहा है, हमारे पास आ गया जी यहाँ से वैल्यूज टेरेस पावर -7. कैलकुलेटर में हमने जब कैलकुलेट किया दिस इज -7 नॉट -2. ये जो वैल्यू है सिक्स इंटू टेरेस पावर -7, मैंने इसको किया सिक्स इंटू टेरेस पावर -7 मल्टीप्लाई टेरेस पावर -2 एंड टेरेस पावर 2. यू विल गेट, ये क्या हो जाएगा, हम पेयरिंग कर लेते हैं. ये जो टेरेस पावर 2 है ये 600 के साथ लिख लेते हैं, तो इट विल बिकम 600. ठीक है, ये तो टेरेस पावर 2 इसके साथ, और ये दोनों जो है वो एड अप हो गए, तो हमें आ जाएगा टेरेस पावर -9. नाउ यू कैन राइट 600 नैनो मीटर. ठीक है, तो बेसिकली फार्मूला हमने यही यूज़ किया है, y इज इक्वल्स टू लैम्डा एल ओवर टी, लैम्डा एल ओवर टी. ठीक है, इसको आप नोट कर लें.
Okay, students, going to the next question. 9.3. In the double slit experiment, second order, so m is equals to 2, occurs at this angle theta. The wavelength lambda determines the slit's separation. Define करना है आपने. So हमारे पास नाइन पॉइंट थ्री क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, और उसमें गिवन डाटा जो है बिकम वेवलेंथ गिवन है, एम गिवन है, ठीक है, और थीटा गिवन है. तीन चीज़ें गिवन है, ठीक है. वेवलेंथ है हमारे पास 650 नैनोमीटर, तो 6 × 10⁻⁹ और सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा है, तो एम टू हो गया. मैक्सिमा है पहली बार, एम टू हो गया, और एंगल है 0.25. ओके, दिस इज गिवन और रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स. कैलकुलेशन हम करेंगे, तो कैलकुलेशन के लिए हमारे पास आ जाएगा डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा. डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा, और डी को इधर डिवाइड कर देते हैं, वैल्यूज भी पुट कर देते हैं, हमें थीटा भी है, बल्कि हाँ जी साइन थीटा को राइट साइड पे डिवाइड. सो डी इज इक्वल्स टू एम लैम्डा ओवर साइन थीटा. सो डी विल बी एम की वैल्यू टू लैम्डा की वैल्यू 650 × −9 ओवर साइन 0.25. सो यू विल गेट डी दैट इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करें और साइन की वैल्यू अप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन की वैल्यू फिर डिवाइड करें, 1300 × −9 ओवर 0.004363. इनको डिवाइड करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.98 × −4 मीटर. तो दिस इज़ द डिस्टेंस. हमें बुक के अकॉर्डिंग अगर आंसर करना है तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है. तो दूसरी बात यह है कि ये हमारे पास मिली मिले आते हैं, एक पॉइंट को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा एक, तो हमारे पास 0.298 × −3 मीटर आ जाएगा. नाउ यू कैन राइट डी इज इक्वल्स टू, ये राउंड ऑफ हो जाएगा 9, इसमें 1 ऐड हो जाएगा, 0.3 और 10⁻³ क्या होता है, मिली मीटर. तो ये हमारे पास आंसर आ गया. हमने स्टार्ट किया डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, ठीक है. तो ये 3 न्यूमेरिकल्स हैं, इनको अच्छी तरह से करें, 4 आप लोग खुद करें, तो इंशाल्लाह जो है हमारे पास हाफ हो जाएंगे.